आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम फोटोशॉप में कुछ ही मिनटों में अट्रैक्टिव आउटलाइन टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। आउटलाइन टेक्स्ट वीडियो थंबनेल के लिए या और भी कोई आपकी इमेज हो तो उसके लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है इस पे सिर्फ आउटलाइन ही दिखाई दे रही है, अंदर से ये टेक्स्ट किसी कलर से फिल नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का हम टेक्स्ट कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। आप इमेज की कोई भी साइज ले लीजिए और क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और कोई भी एक डेमो टेक्स्ट टाइप कर देना है। जैसे हम टाइप कर देते हैं आउटलाइन। टेक्स्ट को हम थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। अब हम इस टेक्स्ट के लिए एक आउटलाइन बॉर्डर बनाते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये जो आउटलाइन टेक्स्ट लेयर दिखाई दे रहा है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ये जो लेयर मेन्यू है इसमें से अगर आप लेयर स्टाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक ऑप्शंस दिखाई देगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। स्ट्रोक ऑप्शन में आपको स्ट्रोक के लिए कलर सेट करना है जो कि इस वक्त रेड कलर है। आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। और ओके प्रेस कर देना है। आप आउटलाइन की साइज है यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपको ये जो आउटलाइन है टेक्स्ट के इनसाइड चाहिए या सेंटर में चाहिए या आउटसाइड में चाहिए, तो आमतौर पे इसको आउटसाइड पे ही रखा जाता है। और इसके बाद में आप ओके प्रेस कर देंगे तो इस प्रकार से ये आउटलाइन बन जाएगी। अब हमें इस टेक्स्ट का जो अंदर का कलर है ब्लैक, इस कलर को हटाना है ताकि अंदर से ये टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो सके। तो इसके लिए आप फिर से लेयर मेन्यू में जाएंगे और लेयर स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ पे ये टॉप पे है। यहाँ पे आपको ये जो फिल ओपेसिटी ऑप्शन है यहाँ पे जो इस वक्त 100% है इसको इस प्रकार से 0% पे सेट कर देना है। ऐसा करने पर ये टेक्स्ट का जो अंदर का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर ही दिखाई देगी। अच्छे से देखने के लिए हम ये जो बैकग्राउंड लेयर है यहाँ पे एक इमेज डालते हैं। जैसे ये इमेज है इसको हम कंट्रोल आल प्लस कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर पर कंट्रोल आल और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट करते हैं। अब हम इस इमेज की जो साइज है इसको कम करते हैं ताकि ये इमेज जो हमारी फाइल साइज है इसमें फिट हो सके। आप टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब ये जो आउटलाइन टेक्स्ट का लेयर बन गया है इसको हम और भी अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये जो इफेक्ट्स है आउटलाइन लेयर के अंडर में या फिर स्ट्रोक ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो स्ट्रोक ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे वाइट कलर हमने सेट कर दिया है। ओके प्रेस कर देते हैं और इसको कुछ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं। तो ड्रॉप शेडो में जो भी इस वक्त डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। ड्रॉप शेडो में आप ओपेसिटी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्टेंस। स्प्रेड यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वहाँ पर रख लीजिए इसे और इसके बाद में ओके प्रेस कर दीजिए। अब ये जो टेक्स्ट है आउटलाइन का ये पूरी तरह से एडिटेबल है। आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको चेंज करते हैं। तो ये जो सिर्फ इसकी आउटलाइन है वही इस टेक्स्ट के हिसाब से हो जाएगी।
बाकी अंदर चाहिए ट्रांसपेरेंट रहेगा, और इस पे जो इफेक्ट है वो भी जो पहले से अप्लाई है वो ही रहेंगे। तो इस प्रकार से आप कुछ ही मिनटों में फोटोशॉप में एक आउटलाइन टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।